सो गाइस, अभी हम लोग छटकुल्ला विलेज के अंदर पे हैं। और भाई साहब, हम जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ना, वो इतनी प्यारी सी लोकेशन दिख रही है यहाँ से ना, मेरा तो एकदम दिल खुश हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग फ्रॉम बीडी गैरी दोराड। तो कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, आज संडे के दिन हम लोग, वीडियो तो आपके पास लेट आएगी मगर मैं संडे को निकल चुका हूँ। आज मैं निकला हूँ यहाँ के गाँव की खोज की तरफ को। तो सलना की तो हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, पहले ही बना चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखी हो तो चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम उससे भी आगे थोड़ा और निकले हुए हैं, एक छठगुल्ला विलेज पड़ता है यहाँ पर। आज हमने सोचा कि छठगुल्ला विलेज की वीडियो बनाएं और आपको भी दिखाएं कि छठगुल्ला विलेज यहाँ दोराट का किस तरह का दिखता है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं और आप लोगों को छठगुल्ला विलेज दिखा के लाते हैं। सो गाइस, इन कच्चे रास्तों में चल के हम लोग छठगुल्ला विलेज पहुंच चुके हैं। आप देख ही रहोगे गाड़ी किस तरह से हिल रही है मगर हम लोग अभी इस टाइम पे अपना छठगुल्ला विलेज में आ चुके हैं और यहाँ से मुझे आगे का कुछ दिख नहीं रहा है गाड़ी वाड़ी ले जाने का। ओए हाय हाय हाय, बड़ा बुरा फंसे भाई साहब, बहुत बुरा फंसे। पीछे से मुड़ना पड़ेगा, पीछे से मेन रोड पे जो जुड़ता है रास्ता। यहाँ तो पैदल वालों के लिए है बस, जो ये रास्ता जा रहा है वो भी। ये देखिए, आप गांव देख लीजिए आप लोग, यहीं से थोड़ा फिर उतर के दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा भाई, दिख रहा है पूरा गांव का, मतलब जो आसपास के घर है वो तो सब दिख जा रहे हैं। ऊपर के भी घर दिख रहे होंगे ना? हाँ, वो भी दिख रहे हैं। दिखाओ भाई लोगों को, दिखाओ कैसा दिखता है यहाँ पर। चलिए भाई लोगों, एंजॉय करिए पूरी वीडियो को, मजेदार ढंग से लीजिए इनका आनंद और यहाँ से मजे 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 लेते रहिए। यहाँ पर देखिए दुकान भी है और ये पूरा गाँव है। सो गाइस, अभी हम लोग छठगुल्ला विलेज के अंदर पे हैं और भाई साहब, हम जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ना, वो इतनी प्यारी सी लोकेशन दिख रही है यहाँ से ना, मेरा तो एकदम दिल खुश हो गया। मैंने कहा मैं अकेला के देखूँ, अपने भाई और बहनों को भी दिखाऊँ उस प्यारी सी लोकेशन को। तो हर्ष भाई अब कैमरा घुमाएंगे और उनको वहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे। देखिए हमारे पहाड़ों की क्या खूबसूरती दिख रही है यहाँ पर। हर्ष भाई पूरा इनको पूरा राउंड ऑफ करके दिखाना भाई लोगों को, कितना कितना प्यारा प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। थोड़ा सा इधर की तबको भी घुमाना, आगे को भी चलो थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करते रहो और भाई लोगों को एकदम खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहो। इधर का भी दिखाओ, उधर का भी दिखाओ, भाई लोग भी एकदम खुश हो जाए कि उन लोगों के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत खूबसूरत जगह में जाके उनको प्यारे प्यारे व्यू और प्यारे प्यारे लोकेशंस हम लोग उनको दिखा रहे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग ये छठगुल्ला विलेज में, इधर का देखिए, ये सरसों के खेत वगैरह भी दिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक ये स्कूल भी है इधर की तरफ को, और हर्ष भाई यहाँ का पूरा पूरा नज़ारा भी ले रहे हैं और हमने आपको भी इधर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई। उधर की तरफ को भी एक गांव है, इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए उधर की तरफ को भी एक गांव है, वहाँ के भी कभी आप लोगों के लिए बना देंगे उधर की भी वीडियो। अभी हम छठगुल्ला में हैं तो अभी आप लोग छठगुल्ला का व्यू इन्जॉय करिए, यहाँ की खूबसूरती देखिए। और देखिए पतझड़ के बाद कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल खिल गए हैं यहाँ के पेड़ों में, पहाड़ों में यही तो बढ़िया चीज़ लगती है, शुद्ध हवा, ताज़ी हवा, प्रदूषण फ्री हवा, इन चीज़ों का ही तो मज़ा है हमारे पहाड़ों में यहाँ पर। और इधर का भी थोड़ा व्यू देखिए आप, ये ऊपर को एक गांव वाँव पूरा दिख रहा है। अब ज़्यादा गांव के अंदर को जाएंगे तो लोगों को भी परेशानी होती है, इसलिए हम बाहर बाहर के गाँव का आप लोगों को विजिट करवा रहे हैं। ये देखिए गाइस, कितने खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर ये कैक्टस के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे पेड़ तो क्या कहेंगे इनको, पौधे ही कहेंगे। और यहाँ से देखिए क्या पहाड़ दिख रहा है, ऊपर एक कोई पुराने ज़माने का मंदिर भी दिख रहा है भाई साहब। और इधर का देखिए व्यू, हम ऐसी रोडों में पैदा पैदा चल चल के आप लोगों के लिए इतनी खूबसूरत खूबसूरत व्यू दिखाते जा रहे हैं। सो गाइस, हम लोग ने अब पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, छठगुल्ला विलेज के अंदर पूरा प्रवेश कर लिया है। और यहाँ पर देखिए कितने प्यारे प्यारे पौधे खेत दिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से देखिए क्या व्यू दिख रहा है। और ये हमारे कुमाऊनी स्टाइल के घर भी दिख रहे हैं कुछ कुछ यहाँ पर, से तो जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए तो कुमाऊनी स्टाइल के घर भी बने हुए हैं यहाँ पर। और ये रहा आपका पूरा गांव का इलाका, यहाँ पर देखिए क्या हरियाली दिख रही है। ऐसी जगहों में आगे ना एकदम मन शांत शांत सा हो जाता है गाइस, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मैं अगर कहूँ ना, मैं गाँव गाँव की वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद यहाँ का पहाड़ों में गाँवों में जाने का बहुत शौक है। मुझे बड़ा शांति सी मिलती है यहाँ पर इन जगहों में आके। तो मैंने कहा मैं अकेले अकेले क्यों इन वादियों का मजा लूं, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो घूमता तो मैं बहुत पहले से हूँ गाँव के अंदर को, मगर अब मैंने सोचा कि यार वीडियो वीडियो भी बनाए, लोगों को भी इन खूबसूरत नज़ारों को दिखाना शुरू करें। सो गाइस, आज हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकले हुए थे गाँव की सैर करने के लिए। आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि मुझे गाँव की तरफ को जाना, वहाँ बैठना, वहाँ की व्यू देखना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अपना अकेला क्या देखूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सो आई होप गाइस आपको आज का हमारा छठगुल्ला
विलेज वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल दैट इज टेक्निकल अंदाजी ब्लॉग्स, और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और बाय बाय।